Good afternoon, students. आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। देखो, अभी आपको अपने पाठ्य पुस्तक को बिल्कुल नहीं निकालना। जब मैं कहूँगी तभी अपने पाठ्य पुस्तक को हम निकालें, तब तक आपसे सामने देखेंगे। हाँ, आज हम कुछ ऐसे विषय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छा लगे। अच्छा, आपने तो पंछियों को देखा है, पंछी जब आकाश में उड़ते हैं ये सभी ने देखा होगा और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसे लगते हैं पंछी? अच्छे लगते हैं ना? तो ठीक है, अच्छा ही लगता है पंछियों को देखना उड़ना। किसी के पास समय भी नहीं होगा उसे देखने के लिए। चलो ठीक है बच्चों, ये पंछी जो है ना, रोज सुबह होते हुए एक नई उम्मीद के साथ इस आकाश में ऊंची उड़ान लेते हैं और अपने जीवन के पथ पर चलते हैं। जिस तरह से हम होते हैं, इस धरती पर रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं। बच्चों, आपको पता है जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तब हमें अनेक समस्याओं को झेलना पड़ता है। उसी तरह से इन पंछियों को भी उनके जीवन में, उनके रास्ते में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आज हम जो जानकारी हासिल करने वाले हैं वो कुछ इसी तरह से पंछियों से संबंधित है। बराबर कहा आपने, आज हम नई कविता सीखने जा रहे हैं और उसका नाम है कब उड़ते रहना जीवन भर। क्या नाम है? उड़ते रहना जीवन भर। इस कविता के कवि है गोपालदास नीरज। कौन है? गोपालदास नीरज। तो बच्चों, सबसे पहले हम कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। गोपालदास नीरज कवि हिंदी साहित्य कवियों में बहुत खास हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। इनकी ये जब 6 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हुआ और बहुत कठिन परिस्थिति में उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने टाइपिस्ट की कला सीखी थी और इसी के बल पर उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां कर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर लिया। पर ऐसे ही नौकरियां करते करते कवि ने प्राइवेट परीक्षाएं देकर इंटरमीडिएट, बीए और हिंदी में एमए भी कंप्लीट कर लिया और फिर वे मेरठ और अलीगढ़ के विद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी करने लगे। तो इस तरह से वे कवि सम्मेलनों में भी हिस्सा लेने लगे और उसमें वो बहुत प्रसिद्ध हुए और इसी प्रसिद्धि के कारण इस कवि को मुंबई के फिल्म जगत में गीतकार के रूप में निमंत्रित कर दिया और इससे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने इस निमंत्रण को तुरंत स्वीकार, अपनी उस प्राध्यापक की नौकरी को छोड़ दिया और वो मुंबई चले आए। अनेक पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। बच्चों, इनकी जो लेखन की शैली थी वो चित्रात्मक शैली है। जैसे कि वो जैसे जैसे शब्द लिखते थे, वर्णन करते थे तो उससे चित्र निर्माण हो जाता था और इसीलिए वो बहुत फेमस थे। ऐसे हैं हमारे गोपालदास नीरज कवि और इन्होंने हमें जो कब उड़ते रहना जीवन भर इस कविता से हमें आशावादी रहने के लिए कहा गया है। बच्चों, हमारे लिए जो आपके हैं ना वो हमें डराने का काम करती है कि हमेशा याद रखो, लेकिन जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है और उसे अपने ताकत पर भरोसा होता है वह व्यक्ति कभी अपनी आंखों से डरने वाली बात से डरते नहीं है बल्कि निडर होकर
संबंध में हमने कुछ समझाने का प्रयास किया है। वो इसलिए क्योंकि कवि की दृष्टि से पंछी और मनुष्य का जीवन एक जैसा है। वो कैसे है? अब आपको पता चलेगा कि कैसे पंछियों और मनुष्य का जीवन एक जैसे है। तो चलो इसके लिए हम पढ़ते हैं हमारी ये कविता। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक को निकालो और हमारा पाठ क्रमांक 6 जो है खग उड़ते रहना जीवन पर उसे निकालिए। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं हमारी कविता। इस कविता में सबसे पहले कवि ने जो पंक्तियां लिखी हुई है वो इस तरह से है। भूल गया है तू अपना पद, भूल गया है तू अपना पद और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर अरे मौत से भी बदतर। यहाँ पर ये जो तीन पंक्तियां कवि ने पहले लिखी हुई है वो मनुष्य को यानी हमें संबोधित की हुई है और वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपना जीवन पर भूल गया है, अपना रास्ता भूल गया है और तेरे पंखों में यानी तेरी बाहों में भी अब वो गति नहीं रही है, ताकत नहीं रही है। किंतु ये ध्यान में रख मनुष्य कि अपने जीवन पर से लौट आना मृत्यु से भी बहुत बुरा होता है। इसलिए कहा गया है कि आप कहोगे कि अपने रास्ते से लौट कर आना मृत्यु से भी बुरा कैसे हो सकता है। तो देखो बच्चों, जब हम कोई काम करने से पहले लोगों को उस काम के प्रति इतना बड़ा चढ़ाव जोड़ते रहते हैं कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा मेरे पास इतना है और मैं उसके बल पर ऐसा करूंगी दिखाऊंगा इतने ऊंचे पद पर जाऊंगा, लेकिन जब असली काम करने की नौबत आती है ना तब मनुष्य को पता चलता है कि उस काम में करते समय आने वाली समस्याएं कितनी सारी होती है और कुछ लोग उन समस्याओं को पार कर आगे चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उन समस्याओं को शुरुआत में ही डर जाते हैं और पीछे हटते हैं और जब ये पीछे लौट कर वापस आते हैं ना तो वही संसार के लोग जिनके सामने उसने बड़ी बड़ी बातें की थी वो लोग उसे ताने देख देख कर उसे अपमानित करते रहते हैं और तब उसे लगता है कि भाई उस रास्ते पर चलते चलते हार जाता तो भी अच्छा होता, लेकिन इस तरह से डर कर लौट आने से ये लोग कैसे हमारा जीना हराम कर देते हैं। तो इसीलिए कभी हमें कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू बिल्कुल डर मत, हिम्मत रख और आगे बढ़। तो चलो बच्चों, यहाँ पर पंछी के जीवन से भी लेखक संबोधित कुछ हमें कहना चाहता है। तो देखो क्या है, वो पंछी को बोल रहा है, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय चकोरों से तू, बड़े आशा हल कोरों से तू, क्षण में यह अंतर मिट जाएगा तेरे पंखों से फिसक कर। अब बच्चों यहाँ पर चकोरों का अर्थ है हल्की सी हवा, हल्का सा झोंका, और अरिदल का अर्थ है शत्रु की सेना। तो इस तरह से कवि कहता है कि हे खग यानी हे पंछी, तू जीवन भर उड़ता है लेकिन अपने आने वाली हवा के हल्के झोंके से भी तू डरना नहीं है, तुझे डरना नहीं है, क्योंकि जब पंछी आकाश में उड़ता है तो अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं, हवा के झोंके आते रहते हैं। तो उस पंछी को कवि कह रहा है कि उन हवाओं से उन हल्के झकोरों से जो प्रलय की तरह आ जाते हैं उसे तुझे डरना नहीं है, बल्कि आशा रूपी लहरों से तुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, यानी आने वाली उन समस्याओं को तुझे लड़ना है और आगे बढ़ना है। जब तू आशा अपने अंदर रखेगा, उम्मीदें रखेगा तो ही तू उससे लड़ पाएगा। और आगे जाकर कहते हैं, क्षण में यह अरे
सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें भी आशा रूपी लहरों के साथ आगे बढ़ना होगा, आशाओं की दृष्टिकोण हमें यहाँ पर रखनी होगी और आगे बढ़ना होगा। तो बच्चों आज हम यही तक देखते हैं कि इस पंछी को किस तरह से लेखक ने प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, वो मानो पंछी नहीं हमें ही कहा है। तो आज जो आपको करना है कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, देखो कि एक बार आगे बढ़ने के बारे में, जब एक बार आप आगे बढ़ोगे तो पीछे आना मौत के भी बुरा हो जाता है, ऐसा यहाँ पर क्यों कहा है? इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा, थोड़ा सा उसके ऊपर आपको सोचना है। तब तक के लिए